हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक जेंट्स हाफ जैकेट जिसका साइज है एक्सएल ठीक है और ये टोटल इसमें उन 400 ग्राम लगी हुई है और ये जो पैटर्न है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहाँ से देख सकते हैं ये थोड़ी सी मोटी ऊन है इसलिए मैंने इसमें नौ नंबर के नीडल यूज़ किए हैं अगर आपकी ऊन पतली है तो आप दस नंबर की निडल से बनाइए और फंदे भी थोड़े से कम ज़्यादा होंगे लगभग दस फंदे इसमें अगर आपकी ऊन पतली है तो जिस जो मैंने फंदे बताए उसमें दस फंदे आप ऐड कर लीजिए अगर पतली है मोटी है तो कम कर लीजिए ठीक है एक्सल साइज़ में बना है तरीका देख लीजिए आप बनाने का उस हिसाब से आप भी बना सकते हैं ठीक है और ये देखिए ऊन हमने ओसवाल के लिए है और जहाँ से मैं ऊन परचेज़ करती हूँ उनका यूट्यूब चैनल है उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ से ऊन ले सकते हैं ठीक है सबसे पहले हम बैक साइड का पार्ट बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो ये देखिए बॉर्डर कंप्लीट हो गया है बॉर्डर की लंबाई मैं बता देती हूँ वैसे अपने हिसाब से आप बॉर्डर बना सकते हैं छोटा या बड़ा तो बॉर्डर की लंबाई है लगभग तीन इंच के आसपास तीन इंच ये बनाने के बाद ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है ठीक है फ्रंट साइड में एक रो हम सीधी सीधी बना लेंगे अब उल्टी रो में हम क्या करेंगे फंदे बढ़ा लेंगे तो बता देती हूँ मैं आपको फंदे किस तरह से मैं बढ़ाती हूँ और 110 फंदे हैं ये और ये थोड़ी सी मोटी ऊन है तो देख लीजिए 110 फंदे में मैं इसमें ऊपर करूंगी 125 फंदे 125 फंदे बनाऊँगी तो देखिए 15 फंदे मुझे बढ़ाने हैं फंदे किस तरह से बढ़ेंगे धागा है इस तरह से ये लपेट के आगे कर लेंगे एक फंदा बढ़ गया थोड़ा तीन दो तीन फंदे बनाने के बाद फिर हम धागे को लपेट लेंगे दूसरा फंदा बढ़ गया इसी तरह से हम रो कंप्लीट कर लेते हैं पंद्रह फंदे इसी तरह से बढ़ा लेते हैं ठीक है तो ये देखिए ये यहाँ पे एक पंदा फंदा और बना बढ़ा देती हूँ मैं ठीक है ये पंद्रह फंदे बढ़ गए हैं तो मैं बता देती हूँ जो फंदे मैंने बढ़ाए वो किस तरह से मैं आगे फ्रंट साइड से इसको बना देती हूँ ठीक है ये हो होगी बैक साइड की रोज जिसमें हमने फंदे बढ़ाए हुए अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे नौ नंबर की नीडल्स को ठीक है ये देखिए जो फंदे बड़े हुए हैं उसको किस तरह से बनाना है बता देती हूँ मैं आपको ये देखिए, ये हमारा फंदा है जो बड़ा हुआ है तो इसको कैसे बनाना है पता आपको यहां से नहीं बनाना है इसको बैक साइड से ऐसे बनाना है ठीक है इससे क्या होगा ये पलट जाएगा और इसमें होल नहीं बनेगा ये देखिए ठीक है इस तरह से बनाना है ये देखिए एक बार और बता देती हूँ ये हमने हमारा जो बड़ा हुआ फंदा है वो है अगर हम इसको ऐसे बनाते तो यहाँ पे एक जाली आ जाएगी ठीक है इसको ऐसे नहीं बनाना है हमने इसको क्या करना है बैक साइड से लेना है और इस तरह से इसे बना लेना है तो इसमें जो है जाली नहीं दिखेगी हमारी छोटी छोटी दिखेगी तो ये फंदा बना लेंगे सीधा सीधा तो इसी तरह से रो कंप्लीट कर लेते हैं जो फंदे हमारे बड़े हुए हैं उनको बना करके 125 फंदे मैं इसमें कर लूँगी ठीक है तो चलिए इसको थोड़ा सा बना के मैं दिखाती हूँ आपको तो ये देखिए बैक पार्ट बन चुका है और पहले भी मैंने फंदे बताए थे अभी भी बता देती हूँ यहाँ बॉर्डर में एक फंदे हैं और ऊपर हैं एक फंदे ठीक है ऊन भी मैंने बताई थी और ये ऊन थोड़ी सी मोटी है तो जब आ, अगर आप बना रहे हैं आपकी ऊन पतली है तो थोड़े से फंदे देख लीजिए आप और इसको मैं इस तरह से भी इसका मेजरमेंट करके बता देती हूँ कितना आ रहा है देखिए अभी फैलेगा अभी जब हम इसको पहनेंगे तो ये फैलेगा वैसे अट्ठारह या उन्नीस अट्ठारह से उन्नीस इंच तो इसकी चौड़ाई है ठीक है अब मैं आर्म होल की कटिंग यहाँ पे शुरू कर रही हूँ शॉर्ट में बन रहा है ये तो देख लीजिए आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको ले लीजिएगा और देखिए साढ़े पंद्रह इंच है ठीक है साढ़े पंद्रह इंच बॉर्डर से ऊपर बॉर्डर से ऊपर साढ़े पंद्रह इंच के बाद आर्म होल की कटिंग शुरू कर लेंगे और देखिए दो इंच ढाई इंच ढाई इंच में बॉर्डर है ठीक है टोटल हो गया ये आपका अठारह इंच है तो अठारह इंच की लंबाई के बाद यहाँ पे आर होल की कटिंग शुरू करेंगे आर होल की कटिंग अक्सर मैं बताती हूँ वीडियो में तो इसमें भी बताऊँगी लेकिन आप मोटा मोटा देख लीजिए दस नं दस फंदे इधर से कम होंगे दस इधर से ठीक है चार तीन दो एक चार तीन दो एक दोनों तरफ से ठीक है तो चलिए आर्म होल की कटिंग शुरू करते हैं तो ये देखिए आर्म होल की कटिंग आप किसी भी तरफ से शुरू कर लीजिए जब भी हमारा नया जो रो है वो शुरू होगा तो वहां पे हम फंदे कम करेंगे ठीक है पहले हम फर्स्ट बार में हम चार फंदे कम करेंगे एक दो तीन ये चार ठीक है इसको बोलेंगे हम चार अब हम आते हैं लास्ट में यहां पे भी हमको जब रो शुरू होगी तो चार फंदे कम करने होंगे तो चलिए इस रो को कंप्लीट करके आते हैं यहां पे तो यहाँ पे रो कंप्लीट हो चुकी है बैक वाली दोनों तरफ सेम फंदे बंद होंगे चार हमने इस साइड किए थे तो चार यहाँ पे भी करेंगे दो का एक करेंगे एक फंदा दो फंदों का एक करेंगे दो दूसरा फंदा कम हो गया दो का एक तीसरा फंदा और दो का एक चौथा फंदा तो चार फंदे यहाँ पे हमने कम कर लिए ठीक है ये दोनों तरफ चार चार फंदे कम हो गए अब फ्रंट रो कंप्लीट करके आएंगे वापस यहाँ पे ये देखिए रो कंप्लीट हो गई है फ्रंट वाली भी पहली रो में हमने चार फंदे कम किए थे ठीक है ये देखिए अब हम क्या करेंगे तीन फंदे कम कर लेंगे तो इसे ही कहते हैं चार तीन दो एक ठीक है चार एक बार में कर लिया अब अब हम तीन फंदे कम करेंगे एक दो और ये तीन थी, ठीक है पहली बार में चार फंदे बंद किए हमने कम बंद कर दिए फिर तीन फंदे बंद कर दिए अब बैक रो कंप्लीट कर लेंगे उस तरफ भी हम तीन फंदे बंदे कर लेंगे ठीक है तो चलिए बैक रो कंप्लीट करते हैं तो बैक रो भी कंप्लीट कर लिए हमने यहाँ पे ठीक है इस साइड हमारे दो बार फंदे बंद कर लिए हमने चार और तीन और इस साइड एक बार तो यहाँ पे भी हम तीन फंदे बंद करेंगे ठीक है चार फंदे पहले बंद कर लिए हमने एक दो और ये तीन थागा पीछे करके रो कंप्लीट कर लेते हैं अब हमने हमको कितने फंदे बंद करने हैं चार तीन हो गया फिर दो और एक दस फंदे हमारे यहाँ पे बंद हो जाएंगे तो रो कंप्लीट करके आते हैं हम इस साइड को तो ये देखिए रो कंप्लीट हो चुकी है दोनों तरफ चार और तीन दो बार फंदे बंद कर चुके हम अब हमको चार हो गया हमारे चार फंदे बंद हो गए तीन फंदे बंद हो गए अब हमको करने हैं दो फंदे बंद एक दो ठीक है ये हो गया अब हम बैक रो कंप्लीट करके आते हैं इस साइड को ये देखिए रो कंप्लीट हो गई है इस तरफ भी हमको दो फंदे कम करने हैं ठीक है एक और ये दूसरा अब हमको दोनों साइड सिर्फ एक फंदा कम करना है ठीक है एक एक फंदा उस तरफ भी इस तरफ भी अब हमारे चार फंदे फिर तीन फिर दो बंद हो चुके हैं और इस रो को कंप्लीट करके आते हैं लास्ट में तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ये रो कंप्लीट हो गई है और आर्म होल की कटिंग भी अब कंप्लीट हो जाएगी चार तीन दो अब एक हमको और कंप्लीट कर लेना है बंद कर लेना है यहाँ पे सिर्फ एक फंदा हम खत्म कर देंगे बस ठीक है अब बैक रो भी कंप्लीट करके आते हैं उधर भी लास्ट साइड पे यहाँ पे कंप्लीट हो गई है लास्ट रो चार तीन दो अब एक हमारा यहाँ पे बंद कर देते हैं हम सिर्फ एक बंद करना है बस हो गया ठीक है ये मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ किस तरह से इसकी कटिंग आई है ये देखिए ये दस फंदों की कटिंग दोनों तरफ आ गई हमारी चार तीन दो एक ठीक है इसके बाद हम बना लेंगे आगे को ठीक है लेकिन ये आप लंबाई अगर आपको छोटी लग रही आप अपने स्वेटरों से जो भी आपको बनानी है वो, वो दूसरे स्वेटर से आप नाप करके देख लीजिए कितनी लंबाई आपको चाहिए आप उसी के हिसाब से लंबाई रखिए ठीक है ये थोड़ी कम लंबाई है और यहां से अब ऊपर को लगभग नौ से साढ़े नौ नौ या साढ़े नौ या दस इसी के आसपास नौ साढ़े नौ के आसपास हम बना लेते हैं उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि क्या करना है ठीक है तो बैक पार्ट जो है जैन स्वेटर का बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है इसकी लंबाई मैंने बताई थी आपको और आर्म होल की कटिंग के बाद की लंबाई मैं बता देती हूँ आर्म होल की कटिंग के बाद हमने सात इंच ही अभी बनाया है इसको अभी देखेंगे आठ साढ़े आठ इंच के आसपास इसको बनाएंगे अगर हम यहां से इसको आ, इसका मेजरमेंट यहां से करें तो ये नौ इंच बन चुका है ठीक है अगर हम यहां से इसका मेजरमेंट करें तो नौ इंच बन चुका है और हम जहाँ हमारी आ, गोलाई देनी खत्म हो जाती है अगर वहां से हम इसको मेजरमेंट करें तो ये लगभग साढ़े सात इंच बना हुआ है तो इसको आधा इंच के आसपास आधा या एक इंच आज, आ, के आसपास और इसको बनाएंगे तो आप अपने स्वेटरों से भी नाप के देख लीजिएगा कि आ, ये किस तरह से और कितना लंबा बनेगा ठीक है तो इसकी लंबाई बता देती हूँ मैं टोटल लंबाई अभी अभी की टोटल लंबाई इसकी 27 इंच है ठीक है ये देखिए सत्ताईस इंच इसकी लंबाई है इसको अभी अट्ठाईस या साढ़े हमको करना है तो अभी जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बताऊंगी आपको इसकी एक्चुअल लंबाई टोटल लंबाई कितनी है ठीक है तो बैक पार्ट आपने देख लिया कितने फंदे लिए थे अब ये फ्रंट पार्ट है ठीक है फ्रंट पार्ट में हमने फंदे लिए हैं यहाँ पे सेवनटी एक साइड का मैंने थोड़ा सा बना लिया है और दूसरी साइड का मैं बना रही हूँ तो यहाँ पे अगर आपको ये पैटर्न देना है तो पैटर्न को मैं बैठाना बता देती हूँ आपको किस तरह से इसको हमने बनाया है तो देखिए नौ नंबर के नीडल्स इसमें लिए हुए हैं दस नंबर से हमने पैटर्न नीचे का बॉर्डर बनाया है तो शुरू में हम यहाँ पे बटन पट्टी बनाएंगे बटन पट्टी कैसे बनाएंगे देखे दो फंदे उल्टे हैं पहला फंदा ऐसे ले लिया दूसरा फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे और ये जो हमने दो केबल बनाए हैं एक एक फंदे के केबल हैं ठीक है ये केबल कैसे आया हुआ है इस तरह से हर बार हर रो में हम सीधी रो में इसी तरह से बनाएंगे पहले पीछे से पहले वाले फंदे को बना लेंगे और दूसरे वाले फंदे को बाद में बीच में हमारे तीन फंदे हैं एक दो तीन तीन फंदे उल्टे हैं फिर धागा पीछे करेंगे फिर वही केबल सेम इस तरह से पीछे से पहले दूसरे फंदे को बना लेंगे और पहला फंदा हम बाद में बनाएंगे ठीक है और दो उल्टे ये हमारा बटन पट्टी है ठीक है ये हमारी बटन पट्टी है जो कि हर सीधी रो में इसी तरह से आएगी बार बार ठीक है अब उसके बाद हम बनाएंगे ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न तो पैटर्न में बाद में बता दूंगी आपको सिर्फ बैठाना बता देती हूँ अभी कैसे बैठाना है देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह फंदों में हमारा बटन पट्टी बैठ गया है अब हमको ये तीन फंदों का बनाना बन, होता है तो ये तीन फंदे हम सीधे किए थे हमने इस बार मैं इसमें पैटर्न दे दूंगी पैटर्न आपको मैं समझा दूंगी बाद में ठीक है अब ये तीन फंदों में ही आता है तो तीन फंदों का पैटर्न हम एक सीधा करेंगे इस तरह से बना लेंगे ठीक है ये देखें उसके बाद यहाँ पे हमारे दो उल्टे फंदे हैं दो उल्टे बना लिए और जो हमने ये बड़ा केबल दे रखा है ये बारह फंदों का बना हुआ है तो बारह फंदे सीधे आ जाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह ठीक है बारह फंदों का केबल आ जाएगा फिर यहाँ पे हमारे फिर दो फंदे उल्टे आ जाएंगे दो फंदे उल्टे हैं और ये जो छोटा केबल दे रखा है ये तीन फंदों में आएगा देखिए किस तरह से आएगा पहला तीसरा फंदा हम ले करके इन दोनों के ऊपर से ले लेंगे ऐसे और एक फंदा बना लेंगे और यहाँ पे उस फंदे के लिए एक जाली दे देंगे सिंपल सा पैटर्न है इसके बाद जो किनारे पे उल्टे हैं हमारे यहाँ पे तीन उल्टे हैं धागा आगे करेंगे और एक दो तीन तीन उल्टे बना लेंगे और धागा पीछे करके ये जो जितने बचे हैं हमारे सारे सीधे आएंगे ठीक है तो इस तरह से ये पैटर्न बना हुआ है बटन पट्टी के साथ अटैच होके ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर दी है और देखिए गले की कटिंग किस तरह से की है ये देखिए यहाँ से की है अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ से गले की कटिंग की जाती है लेकिन इस बार मैंने यहाँ से की है तो आगे को आपको देखने को मिलेगा किस तरह से ये कटिंग की है ठीक है फिलहाल आप अगर इस तरह का पैटर्न आप बनाना चाहते हैं तो पैटर्न कैसे बैठाना है वो बता दिया है मैंने चलिए इसको बना लेते हैं आर्म होल तक फिर बताती हूँ मैं आपको आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं तो ये आर्म होल तक मैं इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ इधर से मैं बताऊंगी आपको ठीक है ये देखिए लगभग अठारह इंच का ये हो चुका है साढ़े सत्रह इंच का हो चुका है ठीक है यहां से बॉर्डर से ऊपर को साढ़े सत्रह इंच का हो गया है और बॉर्डर हमारा ढाई इंच का बॉर्डर है ठीक है तो ये जो पैटर्न हमने दिया है इस पैटर्न में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है जो हमने सीधा सीधा बनाया है ये तो हमारा लंबाई में एकदम ठीक आ रहा है लेकिन जो ये हमने पैटर्न दिया हुआ है ये देखिए ये जो इस तरह का पैटर्न होता है पर्ल वाला ये थोड़ा सा दब जाता है तो इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा दब गया है ये छोटा लग रहा है ठीक है लेकिन ये क्या होता है दो चार बार इसको धोएंगे पहनेंगे तो ये बराबर में आ जाते हैं दोनों बस ये शुरू शुरू में ही हमको लगता है कि छोटा है देखिए 16 इंच के आसपास ये आया हुआ है ठीक है तो इसकी लंबाई हमें अगर हम इधर से यहां से मैं बराबर इसको इसका मेजरमेंट करूं बराबर तो ये देखिए अगर एकदम किनारे से करूं इसका तो देखिए ये कितना आ रहा है ये देखिए लगभग ये अठारह उन्नीस इंच है अगर मैं किनारे से एकदम इसका मेजरमेंट करूं और इस किनारे से करूं तो देखिए इस किनारे से पंद्रह सोलह इंच साढ़े पंद्रह इंच ऐसे ही आ रहा है ठीक है तो अब अगर आपको यही पैटर्न देना है तो क्या करेंगे आप वैसे ये अभी बनाने वक्त तो आपको छोटा लगेगा लेकिन कुछ दिन पहनने के बाद इसको धोने के बाद ये चीज थोड़ी सी खिंच जाएगी तो ये बराबर लेबल में आ जाएगा लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी लग रहा है कि ये छोटा ही है इस तरफ का छोटा ही है तो करना क्या है जब आप बनाओगे और आपको छोटा लग, लगेगा तो करना क्या है आपने आपको पैटर्न भी यही देना है तो क्या करना है एक और दो जब दो आपके ये वाले पैटर्न ये वाली केबल बन जाएंगे तो एक रो आप यहीं से वापस आ जाइए तो इस तरफ की रो ज्यादा हो जाएंगी इस तरफ की रो कम हो जाएंगे और लेबल इसका बराबर आ जाएगा ठीक है जैसे कि हमने ये पैटर्न यहां से यहां तक बना लिया अब हम यहां यहां से सीधा आने वाला है तो यहीं से पलट जाएंगे और इस तरह से पहला फंदा नहीं बनाएंगे दूसरे फंदे को बना लेंगे इस तरह से क्या करेंगे इस रो को पूरी कर लेंगे फिर आने वाली रो को यहां से यहां तो लगभग इसमें कितने पैटर्न आ जाएंगे कितनी रो एक्स्ट्रा आ जाएगी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ सात या आठ रो एक्स्ट्रा आ जाएगी इसमें ठीक है तो थोड़ा सा लगभग हो जाएगा अगर मेरे को थोड़ा सा ये लग पता होता कि ये ऐसा होगा तो मैं इसमें आठ नौ रो एक्स्ट्रा बना ही देती इधर से इधर को ठीक है लेकिन फिर भी ये बाद में ठीक हो जाता है तो यहां मैं अभी इसको इतना ही बना रही हूं इसके बाद हम आर्म होल की कटिंग और गले की कटिंग शुरू करेंगे ठीक है तो गले की कटिंग मैं पहले शुरू कर लूंगी छह रो के बाद ही आर्म होल की कटिंग करूंगी ठीक है ये पहली रो हम बना रहे हैं यहां से मैंने गले की कटिंग कर दी है अक्सर क्या होता है अगर आप ये पैटर्न नहीं दे रहे अक्सर हम लोग क्या करते हैं ये जो हमारा बटन पट्टी है इसके बाद हम फंदे घटाना शुरू करते हैं ऐसे अगर आप पूरे में इसको आपका पूरे में पैटर्न है तो आप बटन पट्टी के बाद ही फंदे घटाना शुरू कीजिए इस तरह से जैसे मैं यहां घटा रही हूँ ठीक है मैंने ये पैटर्न ऐसे बनाया है तो मैं पैटर्न फंदे यहां पे घटाऊंगी ठीक है अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहीं से घटा लीजिए इसी तरह का पैटर्न बना लीजिए अगर आपको पूरे में पैटर्न देना है फुल वर्क करना है इसमें और आपको गले की कटिंग करनी है तो आप क्या करेंगे बटन पट्टी के जितने बटन पट्टी में आपके फंदे वो बनाने के बाद जिस तरह से मैं यहाँ पे दो फंदों का एक करते हुए जाऊंगी वही आपको वही चीज यहाँ पे करनी है ठीक है ये जो मैं यहां पर गले की घटाई करूंगी वो आपको यहां पे करनी है ठीक है और अगर आपको मेरी बनाई हुई स्वेटर अच्छी लग रही आप भी इसी तरह से करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं नहीं तो आप यहां से भी कर सकते हैं ठीक है ये मैं यहां से इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैंने सिर्फ एक पैटर्न इस तरह से दिया हुआ है अगर मेरा ऑल ओवर वर्क होता है इस पार्ट में तो मैं बटन पट्टी के बाद ही इसको घटाती ठीक है तो चलिए इसको घटाना शुरू करते हैं देखिए क्या होता है अगर हम इसको ऐसे घटाएं घटाएं धागा ऐसे करके इस तरह से तो क्या होगा एक लाइन सी बन के आएगी बहुत लोगों को वो लाइन सी बन के बहुत अच्छा लगता है लेकिन आ, मैं कैसे घटाऊंगी मैं अपना बता देती हूं आपको मुझे घटाना है फंदे काटते हुए जैसे कि मैंने इस तरफ एक साइड के पार्ट में घटा दिए हैं ये देखिए मैं यहाँ पे मैंने फंदे घटाए यहाँ पे कोई लाइन नहीं आई है हमारे फंदे कटते हुए जा रहे हैं इसमें इस तरह से आएगा ये ये देखिए ठीक है तो इस तरह से फंदे कटेंगे ये देखिए हमने पहले एक दो तीन फंदे घटा लिए उसी के बाद हमने आर्म होल की कटिंग की है यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे और ये देखिए ज्यादा इसमें कोई टफ नहीं है हमको कैसे घटाने फंदे इस तरफ के इस वाले में फंदे हमने कैसे घटाए इस वाले में बता देती हूँ यहां से तो क्या किया है मैंने इसमें इस तरह से दो का एक करके यहाँ पे दो इस तरह से दो का एक कर दिया ठीक है ये इस तरफ का नहीं ये वाला है ठीक है ये वाला मैंने ऐसे बनाया और ये वाला मैं कैसे बना रही हूं इसके फंदे कैसे घटा रही हूँ मैं देखे फंदा सीधा ही रहने देंगे इस तरफ का कुछ नहीं करेंगे जो मैं आपको जिस साइड का बता रही हूँ इस साइड का कुछ नहीं करेंगे बस इस तरह से दो का एक कर देंगे ठीक है ये आपका हो गया दो का एक हो गया आगे को हम बनाएंगे तो इस तरह से हमारे फंदे घटते रहेंगे छह रो के बाद यहाँ पे आर माहौल की कटिंग होगी और गले की घटाई में बता देती हूँ आपको इसमें दिखा देती हूँ आपको ये देखिए हर सीधी रो में हर सीधी रो में मैंने एक एक फंदा घटा दिया है जब तक कि सारे फंदे खत्म नहीं हो जाते सिर्फ एक फंदा रह गया था जैसे यहाँ पे तीन उल्टे हैं तो अब मैंने चार उल्टे कर दिए एक फंदा ये वाला ले लिया है बाकी जितने हमारे बचे हुए फंदे थे वो मैंने सारे एक एक हर रो में घटा दिए हर सीधी भी उल्टी में भी नहीं भी, बल्कि सिर्फ सीधी सर, रो में ठीक है सीधी रो जब भी आएगी दो का एक कर देंगे उल्टी रो बना के आएंगे फिर सीधी रो में दो का एक कर देंगे उल्टी रो बना के आएंगे सीधे रो में दो का एक कर देंगे ये करना है ठीक है और तीन एक दो तीन फंदे घटाने के बाद जब हम चौथा फंदा घटाएंगे तब तभी हम यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे तो चलिए मैं आपको आर्म होल की कटिंग भी बता देती हूँ साथ में ये भी पता चल गया आपको किस तरह से घटाना है तो देख लिया आपने यहाँ पे हमने कैसे फंदा घटाया था अब हम इसको क्या करेंगे रो कंप्लीट कर लेंगे और बैक रो तो हमारी सारी उल्टी आती है बैक रो कंप्लीट करके वापस यहीं पे आती है ठीक है ठीक है वापस आ गए हम यहां पे फिर हम दो का एक कर लेंगे जिस तरह से हमने किया था इसी तरह से हम तीन फंदे बंद कर लेंगे ठीक है छह रो बना करके हम बताते हैं कि यहां पे आर्म माहौल की कटिंग हमने कैसे की है ठीक है तो हम बंद कर लेंगे जैसे हमने पहले दो का एक किया था वैसे ही यहां पे लगातार हम दो का एक करते जाएंगे हर फ्रंट रो में क्योंकि ये हमारे गले की कटिंग हो रही है मैं बार बार आपको बता रही हूँ अगर आपका ऑल ओवर वर्क है पूरे पैटर्न है डिजाइन है तो आप क्या करेंगे सिर्फ बटन पट्टी बना के यहाँ पे दो का एक करेंगे बल्कि यहां पे नहीं करेंगे ठीक है यहाँ पे करेंगे और मेरा आप देख रहे हैं ये पैटर्न हमारा लंबा गया है तो इसी को हम पूरा शोल्डर तक ले जाना है हमको तो हम ये जो सीधे फंदे इनको कम करेंगे इसीलिए मैं यहाँ पे इनको घटा रही हूँ दो का एक करते हुए इसमें गले की कटिंग हो जाएगी तो बन जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे बन रहा है ठीक है तो चलिए आपको मैं आर माहौल की कटिंग बता देती हूँ तो देखिए इसमें मैंने आर माहौल की कटिंग कैसे की है ये देखिए पहली बार जब हम फंदे घटाएंगे ज्यादा घटाएंगे ठीक है ये पांच है फिर तीन है फिर दो फिर एक ठीक है पांच तीन दो एक ऐसे घटा रखे तो ये आर्म होल की कटिंग ऐसे आ गई है बाकी ये सीधा है यहां से जब हम पहनेंगे तो ये इस तरह से आएगा ये इधर को आ जाएगा ऐसे ठीक है तो इसी तरह से हम आर्म होल की कटिंग इसकी भी कर लेते हैं ये देखिए यहां पे हमने तीन फंदे बंद कर लिए ठीक है एक दो और ये तीन तीन फंदे बंद कर लिए उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग शुरू करेंगे देखिए आपके अगर फंद, पत, न, धागा पतला है तो आप पांच चार तीन दो एक भी कर सकते हैं यहाँ पे धागा मोटा है फंदे कम डले हुए हैं तो मैं करूंगी यहाँ पे पांच तीन दो एक ठीक है ये हो गए हमारे पांच फंदे बंद ठीक है पांच फंदे बंद करेंगे फिर रो कंप्लीट कर लेंगे बैक वाली सीधी रो के बाद फिर बैक रो में आएंगे फिर तीन फंदे बंद करेंगे ठीक है तो देखिए गले की कटिंग तो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमने गले की कटिंग करनी है ठीक है हर सीधी रो में जिस तरह से मैंने यहां से मैंने फंदे घटाने शुरू किए एक दो तो, तीन और चार चार फंदे घट गए हैं देखिये ठीक है फिर एक हम और घटा लेंगे पांचवा फंदा हो जाएगा हमारा इस तरह से ठीक है इसी तरह से घटाते घटाते हमारे सारे फंदे देखे सारे फंदे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और जो ये फंदे हमारे रह चुके हैं यही हमारा शोल्डर तक जाएगा ठीक है तो ये कर लीजिए आप और आर होल का तो आपको मैंने बता दिया अगर पतली ऊन है तो पांच चार दो दो एक भी कर सकते हैं पांच चार तीन दो ज्यादा ही पतली है तो पांच चार तीन दो एक भी कर सकते हैं क्योंकि पतली ऊन में क्या होता है फंदे ज्यादा होते हैं ठीक है तो उसमें हमको ज़्यादा घटाने ये मोटी ऊन है यहाँ पे हमने पांच तीन कर रहे हैं तो ये पांच और चार से भी ज़्यादा हमको पड़ जाएगा ठीक है इसीलिए मैंने यहाँ पे पांच तीन दो एक कर रखा है अगर आपकी इसी तरह की ऊन है तो आप ऐसे ही कर लीजिए हेल्थ के हिसाब से भी होता है अगर आपको कम लग रहा है आर्म होल तो आप यहाँ पे पाँच चार दो दो एक कर सकते हैं ठीक है बस आर होल की कटिंग वहां पे गोलाई देने के लिए ही की जाती है एक बार और बता देती हूं मैं आपको तो देखिए पांच फंदे हमने पहले बार बंद कर लिए थे अब हम तीन फंदे बंद करेंगे आप चाहें तो इसमें चार कर सकते हैं ठीक है एक दो और ये तीन इसके बाद दो फंदे होंगे फिर एक फंदा लास्ट में ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं मैं इसको बताऊंगी आपको कि ये जब शोल्डर में हम कैसे इसको बंद करेंगे और जो बटन पट्टी है इसको इसका गला बैक साइड से कैसे बनाएंगे ठीक है तो ये समझ में तो आ गया होगा आपके कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं यहां पे देखे पांच और तीन कर दिए इसके बाद की रो में सीधी बना उल्टी कंप्लीट करके सीधी बना के फिर दो फंदे बंद करूंगी मैं दो का एक दो का एक करके फिर उल्टी और सीधी बना करके फिर एक फंदा और बंद करूंगी तो हो जाएगा ये पांच तीन दो एक ठीक है आप भी इसी तरह से करना चाहें तो कर लीजिए देखिए काफी मोटी ऊल है हमारी तो अब ऊल के हिसाब से भी होता है ये ठीक है तो आप भी इसी तरह से कटिंग कर लीजिए अगर आपने ऐसा पैटर्न दिया है नहीं तो आप यहां से कटिंग कीजिएगा आपके बटन होल के बटन पट्टी के बाद ये वाली कटिंग जो ये है यहां से आएगी मैं बार बार आपको समझा रही हूँ कि ये जो कटिंग हमारी यहाँ पे दो का एक करके आ रही है ये हमारी ये बटन पट्टी जो है इसके बाद यहाँ पे आएगी और ये सारे फंदे करते हुए इस तरह गले की गोलाई आएगी ठीक है तो चलिए इसका जो सोल्डर जो सोल्डर को बंद करते हैं वो कैसे करते हैं और गले को कैसे बनाते हैं और इनके आर्म होल में कितने फंदे उठाते हैं आर्म होल के बॉर्डर बनाने के लिए ठीक है वो मैं आपको बताती हूँ तो यहाँ पे हमारे दोनों फ्रंट और बैक पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है ठीक है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये देखे इस तरह से पांच छह रो हमने इस साइड उल्टी बना दी है ठीक है जहां पे हमारा बैक साइड का गला बैठता है कितने रो कितने फंदे बनाए हैं ये देखे ये जो फंदे हैं हमारे ठीक है यहाँ तक ये हमारे फंदे हैं बटन पट्टी के और ये जो फंदे हमारे ट्वेंटी एट फंदे हैं ये सोल्डर के हैं ठीक है ट्वेंटी एट फंदे हमने सिंपल ले लेने हैं अगर आपको इस तरह का बनाना हो तो ठीक है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन और ये ट्वेंटी एट ठीक है ट्वेंटी एट फंदे ठीक है ठीक है इसके बाद हम जो हमारे ट्वेंटी एट इधर के भी सीधे बनाएंगे और जो बीच में बचे हुए हैं इनको सारा उल्टा बना देंगे तो तीन रो में मैंने क्या किया था एक बना के एक छोड़ा था एक बना के जो पैटर्न जैसा थोड़ा सा चेंज है वो बनाया था और लास्ट ये रो बना रही हूँ तो ये टोटल मैं उल्टा ही बना लूंगी ठीक है आप चाहें तो उल्टा उल्टा बना लीजिए नहीं तो इस तरह का भी बना सकते हैं एक उल्ट इस ये जो नीचे तीन रो है हमारी ये ऐसे बनाए मैंने एक बिना बनाए ले लिया एक बना के ले लिया ऐसे ठीक है लेकिन ये हमारी फोर्थ लाइन है, एर्थ रो है इसको मैं टोटली उल्टा बना लूंगी इसे अभी मैं थोड़ा सा इसको बीच में लाके बताती हूँ आपको बीच के फंदे आपको गिनने नहीं है साइड में आपके शोल्डर में जितने फंदे आने हैं उनको सिंपल बना करके बीच में सारे इस तरह से उल्टे बना दीजिए ये देखिए अब मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह से कुछ आएगा ये बैक साइड का है ठीक है ये हमारे सोल्डर वाले फंदे हो गए ये वाले ये हमारे सोल्डर वाले फंदे हो गए बाकी जो बीच में हैं उनको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे ठीक है तो रो कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद हम शोल्डर जोड़ लेते हैं देखिए इस साइड के भी हमारे 28 फंदे हैं यहाँ से यहाँ तक के भी 28 फंदे हैं तो देखिए अब हमारे तीनों ही पार्ट्स कंप्लीट हो गए तो अब हमें ये शोल्डर जोड़ने हैं कैसे जोड़ेंगे बैक पार्ट हम ऐसे सीधा रख लेंगे और फ्रंट पार्ट को ऐसे उल्टा रख लेंगे ठीक है ये सीधा और ये सीधा आमने सामने आ जाएगा ऐसे और ऐसे ही हम दूसरा पार्ट भी ऐसे रख देंगे ठीक है इस तरह से इनको यहां से यहां तक जोड़ लेना है अब इस बार जोड़ने के लिए क्या करना है जैसे ये है जो हमने बटन पट्टी बनाई है ये भी हमको इसी में जोड़नी है इसी वजह से मैंने ये पीछे उल्टा बना लिया है क्योंकि ये बटन पट्टी भी इसी में जुड़ जाएगी ठीक है तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं जोड़ने का तरीका वही है जो हम पहले ही पहले से ही बनाते आए हैं दो फंदों का एक करते हुए देखिए इस तरह से इन दो फंदों को ले लेंगे ऐसे और एक धागे दोनों धागे एक ही साथ हैं तो एक धागे से कर लेंगे एक धागे को हम बाद में कट कर लेंगे ठीक है ये दो फंदे हमने दो का एक कर लिया फिर हमने वापस दो फंदों को दो का एक कर लिया ठीक है इसके बाद इस फंदे को पहले वाले फंदे से ऐसे ले लेना है ठीक है अब हर बार यही हमको करते हुए आगे को बढ़ना है दो फंदों का एक करना है साथ में इस तरह से ये कर लेना है ऐसे भी कर सकते हैं या तो दो सिर्फ दो फंदों का एक करते हुए वापस भी आ सकते हैं ठीक है तो चलिए इसको यहां तक बंद कर लेते हैं हम सारे फंदे बंद कर लेने बटन पट्टी के भी बंद कर लेने यहां तक ठीक है तो चलिए बंद कर लेते हैं तो देखिए एक हमने जोड़ लिया है देखा आपने ये जो हमारी बटन पट्टी थी ये भी यहाँ पे जुड़ गई है ठीक है जो एक्स्ट्रा थे वही हमने सीधे बनाए थे और ये जो बैक साइड में हमने उल्टा उल्टा बनाया था वो हमने पट्टी बटन पट्टी के बटन आ, फंदों के साथ बनाया था ठीक है आप थोड़ा ज्यादा बना लीजिए मैंने तो थोड़ा सा कम बनाया है ये ठीक है अब दूसरी साइड का भी जोड़ लेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पहले जोड़ा था दोनों साइड के पार्ट को हम ऐसे सीधा सीधा कर लेंगे देखिये सीधा सीधा और ऐसे जोड़ लेंगे ठीक है तो चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं तो ये देखिए ये भी हमने कंप्लीट कर दिया अब क्या करना है जो बीच के फंदे वो भी हमने बंद कर लेने वही दो का एक दो का एक करके ठीक है तो चलिए इसको भी बंद कर लेते दोनों साइड के सोल्डर हमने जोड़ लिए हैं अब सिर्फ गले के फंदे रह गए देखिये ठीक है ये गले के फंदे भी बंद कर लेते हैं तो ये देखिए सोल्डर हमारे जुड़ चुके हैं गला कुछ इस तरह से आया है ठीक है फाइनल लुक आपको मैं दिखाऊंगी अभी अब क्या करना है हमको आर्म होल में जो बॉर्डर बनता है उसके फंदे उठा लेने तो फंदे उठाने का तरीका मैं बता देती हूँ आपको और कितने फंदे उठेंगे बता दे सेवेंटी फंदे एक साइड यहां से लेके यहां तक फिर यहां से सेवनटी वन फोर्टी टोटल एक आर्म होल में वन फोर्टी के आसपास आसपास नहीं वन फोर्टी सेवनटी एक साइड में सेवनटी एक साइड में फंदे उठेंगे ठीक है तो हम कैसे फंदे उठाते हैं इस तरह से एक होल से हम क्या करेंगे एक फंदा ले लेंगे इस तरह से ठीक है ये ले लिया हमने ये देखिए ठीक है ये इसका एक सिरा हो गया अब क्या करेंगे यहां से एक फंदा और लेंगे और इसमें नोट लगा देंगे बैक साइड में ये हमारा एक नोट लग गया है इसके बाद बिल्कुल बराबर में हम फंदे उठाते हुए जाएंगे तो देखिए कैसे फंदे उठाएंगे यहाँ पे दो फंदे हो गए हमारे तीन चार देखिए पांच सात, आठ नौ और ये दस ठीक है इसी तरह से हम फंदे उठा लेंगे यहां तक सेवेंटी सो इसके शोल्डर तक ठीक है सेवेंटी यहां से और सेवेंटी यहां से यहां तक आप में जब फंदे उठा रहे हैं तो अगर आपके ज्यादा उठ गए देखे सेवेंटी उठाने आपने सेवेंटी फाइव या एट्टी उठा दिए तो आपको खोलना नहीं है वो ऐसे ही रहने देना है ठीक है और जैसे आप अगर कम हो गए सेवेंटी उठाने आपने सिक्सटी फाइव उठा लिया सिक्सटी कर लिए तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है बैक साइड में हम सारा बैलेंस उसको बराबर बना देंगे ठीक है बैक साइड में जो जिस तरफ हमारे कम हुए हैं बीच बीच में हम उठा लेते हैं एक फंदा तो बराबर हो जाता है और अगर ज्यादा हो गए हैं तो क्या करेंगे कहीं कहीं पे हम फंदे जहां पे हमारे घने घने होंगे फंदे उठे हुए वहां पे हम एक एक फंदा घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा ठीक है तो सम, एक समान डिस्टेंस में आप ऐसे फंदे उठा लीजिए ठीक है टोटल एक आर्म होल में वन फोर्टी फंदे उठा लीजिए तो तो चलिए फंदे उठा के मैं दिखा देती हूँ और बैक साइड में किस तरह से हम घटाएंगे और बढ़ाएंगे वो भी बता देती हूँ तो देखिए फंदे हमने उठा लिए ठीक है ये जो बीच में शोल्डर का जोड़ होता है यहां तक के हमारे फंदे यहां सेवेंटी में अभी हमको तीन और जोड़ने ठीक है अभी हमारे सिक्सटी सेवन हुए हैं सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन और सेवनटी तीन फंदे इस तरफ बढ़ा लेने हैं हमको और हमारे इस तरफ चार फंदे एक्स्ट्रा हो रहे तो इस तरफ घटाऊंगी इस तरफ बढ़ाऊंगी ठीक है तो जैसे कि मैं बोल रही थी आपसे कि कम फंदे उठे तो भी टेंशन मत लीजिए ज्यादा उठ गए तो भी टेंशन तो दोनों ही इस बार मेरा देखे इस तरफ कम उठे हैं इस तरफ ज्यादा उठे तो इस तरफ कम उठे हैं सेवेंटी में यहाँ पे तीन फंदे कम हो रहे हैं तो देखिए कैसे हम एक बार फर्स्ट रो में तो हमने फंदे उठा लिए सेकंड रो हम उल्टी बनाएंगे उल्टी रो में हम सारे फंदे एडजस्ट कर लेंगे देखिए यहाँ पे इतना गैप है यहाँ पे कोई भी एक लूप ले लेंगे एक फंदा हमारा बढ़ गया यहाँ पे हमारे सिक्सटी एट फंदे हो गए अब ठीक है ये यह देखिए यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गैप मुझे दिख रहा है ये यहाँ पे भी एक लूप ले लेंगे और उसको हम बना देंगे देखिए सेवन सिक्सटी नाइन हो गया सेवेंटी होने में सिर्फ एक फंदा रह गया कहीं पे भी आपको ज़्यादा गैप दिखे ये यह देखे यहाँ पे बहुत सारा गैप है ये ये सेवनटी हो गया ठीक है शोल्डर तक का हमारा यहाँ फंदे कम्प्लीट हो गए तो शोल्डर तक ले जाते हैं ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के इसी तरह से आप जरूरी नहीं कि जल्दी ही फंदे बढ़ा लीजिए ज्यादा फंदे आपके पांच छह फंदे ज्यादा हैं, तो बीच बीच में बढ़ा लीजिए शोल्डर तक तो, एक साइड के ठीक है तो इसको मैं शोल्डर तक ले जाती हूँ आर्म होल से यहाँ शोल्डर तक हमारे सेवेंटी हो गए अब इस साइड हमारे सेवेंटी फोर फंदे हैं तो हमको चार फंदे कम कर लेने सेवनटी ही रखने हमको चार फंदे कम करने कैसे करेंगे जिस साइड जहाँ पे आपके फंदे ज्यादा उठ गए हों तो क्या करना है जैसे ये दोनों दो का एक कर दिया एक फंदा कम हो गया ऐसे हम तीन जगह और कर लेंगे कहीं कहीं पे, जहाँ पे हमको लगेगा कि यहाँ पे ज्यादा फंदे ये यह देखिए यहाँ पे भी दो का एक कर लेंगे अब दो फंदे बच गए सेवेंटी टू फंदे रह गए दो फंदे और बंद कर लेंगे इसी तरह से ठीक है ये देखिए दो का एक कर देंगे एक बार और यहां कहीं कर देंगे बस ये रो कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए हमारे अब फंदे सेवेंटी तरफ सेवेंटी तरफ टोटल मिला के वन फोर्टी हो गए ठीक है इनको हम बॉर्डर बना लेंगे एक साइड का मैंने बना लिया दिखा देती हूं मैं आपको तो ये देखिए इतना ही बॉर्डर हमको बना लेना है ये मोटी ऊन है तो इसमें दस से ग्यारह ही रो आए हैं उसके बाद हमने इस तरह से फंदे बंद किए ठीक है ये देखिये डबल सा लगता है ये ये सुई से किया जाता है मैं बता बताऊंगी आपको ये किस तरह से किया जाता है और जितने भी मेरे कार्डिगन वगैरह वेड़ी है स्वेटर हैं जैन स्वेटर हैं सब में मैंने बताया है कि किस तरह से इसको बंद करते आपको यहां पे कंफर्टेबल नहीं लगता है तो दूसरी वीडियो में देख सकते तीसरी वीडियो में देख सकते जो जो मेरी वीडियो गले वाली है तो सब में मैंने सुई से कैसे बंद किया जाता है बताया है ठीक है तो चलिए यहाँ पे तो अब हमने फर्स्ट रो में फंदे उठाए सेकंड रो में एडजस्ट कर लिए जो बड़े हुए थे उनको घटा लिया जो घटे हुए थे उनको बढ़ा लिया ठीक है अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इसमें दस या ग्यारह रो बना करके आते हैं वापस और फिर बताती हूँ मैं आपको कैसे हमने ये सुई वाला बनाया है ठीक है ये तो ये देखिए इतना बॉर्डर हमने बना लिया है आप अपने हिसाब से बना लीजिए अगर आपको बॉर्डर ज़्यादा चाहिए तो देख लीजिए ये सवा इंच का बॉर्डर हमने बना लिया है लगभग ये देखिए मैं बार बार बता रही हूँ आपको ये मोटी ऊल है इस तरह से रूए वाली तो इसमें लगभग ग्यारह रो मैंने बना दी ठीक है ग्यारह रो बनाने के बाद बैक साइड की रो से ही हम शुरू करेंगे तो सुई से बंद करने से पहले हम क्या करते हैं दो रो ऐसी बनाते हैं कि इधर वाले सीधे फंदे ही बुने जाए इधर वाले सीधे फंदे ना बुने जाए कहने का मतलब है उल्टी तरफ जो सीधा फंदा होगा वो बुना नहीं जाएगा सीधी तरफ का सीधा फंदा बुना जाएगा अब सीधी तरफ का सीधा फंदा इस तरफ क्या होगा उल्टा होगा तो हम क्या करेंगे उल्टे फंदे को बना लेंगे उल्टा फंदा उल्टी तरफ देखिए उल्टा फंदा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे सीधा फंदा बिना बनाए ही ले लेंगे और धागा आगे करेंगे फिर उल्टा फंदा बना लेंगे धागा पीछे करेंगे सीधा फंदा ले लेंगे बिना बनाए और धागा आगे करके उल्टा फंदा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे सीधा फंदा बिना बनाए धागा आगे करके उल्टा फंदा तो ये बैक वाली रो उल्टी जो रो है हमारी ये इसी तरह से आएगी हमारी उल्टा फंदा बनेगा सीधा फंदा बिना बनाए ले लेंगे फिर उल्टा फंदा बनेगा लेकिन जब हम बनाएंगे फंदे को बिना बनाए लेंगे तो धागे को पीछे करना बहुत जरूरी है ठीक है ये देखिए धागा पीछे करेंगे तभी बिना बनाए लेंगे और धागा आगे करके एक उल्टा बना लें धागा पीछे करेंगे बिना बनाए लेंगे धागा आगे करेंगे एक उल्टा बना लेंगे इस तरह से ये देखिए ठीक है ये रो कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद फ्रंट रो में आते हैं बैक रो हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं एक रो फ्रंट वाली भी बनाएंगे उसको मैं बताऊंगी कैसे बनाएंगे ये देखिए बैक रो हमने कंप्लीट कर ली अब आ गए हम फ्रंट रो में ठीक है एक रो हमको फ्रंट वाली भी बना लेनी है इसको कैसे बनाएंगे बैक साइड साइड से क्या किया था? उल्टी में हमने किया था था उल्टी में हमने उल्टा फंदा बनाया था सीधा फंदा ले लिया था बिना बनाए अब सीधी तरफ क्या करेंगे सीधा फंदा बना लेंगे और धागा आगे करके उल्टा फंदा बिना बनाए ले लेंगे धागा पीछे करेंगे सीधा फंदा बना लेंगे धागा आगे करेंगे उल्टा फंदा बिना बनाए ले लेंगे धागा पीछे करेंगे सीधा फंदा बना लेंगे ठीक है तो समझ गए आप सीधी तरफ सीधा फंदा बनाएंगे उल्टी तरफ उल्टा फंदा बनाएंगे ठीक है सीधी तरफ उल्टे फंदे को नहीं बनाएंगे इस तरह से ले लेंगे और धागा पीछे करके सीधा फंदा बना लेंगे धागा आगे करना जरूरी है उसके बाद ये उल्टा फंदा बिना बनाए लेंगे और धागा पीछे करके सीधा फंदा बना लेंगे पूरी रो ये दूसरी रो है हमारी पूरी रो हमको इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी फिर मैं बताती हूँ आप आपको कि सुई से कैसे बंद करेंगे तो ये देखिए, एक बैक वाली रो और एक फ्रंट वाली रो दो रो हम कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है इसमें तीन रो भी बनाते हैं कभी मैं आपको बताऊंगी तीन रो वाला कैसे बनाते हैं वो भी ऐसे ही बनता है ठीक है तो क्या हुआ है एक ही फंदा बना हुआ है हमारा सीधी तरफ भी उल्टा उल्टी तरफ देखिए उल्टी तरफ हमने उल्टा बनाया ना जो उल्टी तरफ उल्टा होगा वो सीधी तरफ सीधा होगा और सीधी तरफ हमने सीधा बनाया तो एक ही फंदा हमारा बड़ा बना हुआ है और ये बैक साइड से जो सीधा है ये छोटा हो जाएगा फ्रंट साइड के सीधे लंबे हो जाएंगे दो रो और बैक साइड के सीधे थोड़े छोटे हो जाएंगे तो तब हम सुई से उसको बंद करते ठीक है तो देखिये अब हमने दो रो बना ली है इतना लंबा धागा कट करेंगे कि हमारा एक रो बन जाए ठीक है ये देखे एक रो के लिए मैंने इतना धागा ले लिया है थोड़ा ज्यादा ही हो गया लग रहा अपने हिसाब से ले लीजिए आप जितना धागा हमारा एक रो बनाने में लगेगा उतना ही ये धागा सुई से बनाने में लगता है ठीक है तो चलिए सुई में डाल लेते हैं धागे को ये देखे ठीक है लंबा धागा हमको इसलिए लेना पड़ता है कि जब हम ये रो कंप्लीट करें तो बीच में कहीं कोई नोट ना आए ठीक है तो हमने फर्स्ट फंदा इसी तरह से ले लिया नॉर्मल तरीके से फर्स्ट और दूसरे फंदे में हम सुई को इसी तरह से ले लेंगे और यहाँ पे उल्टी सुई मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इस सुई की नोक थोड़ी सी नुकीली है जिससे धागा क्या है फंस जा रहा है धागे में ये फंस जा रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे उल्टी तरफ से यूज किया है ठीक है पहले हमने फर्स्ट में जो हमारा फंदा था उसमें से धागा ले लिया आपने देखा और उसके बाद जो दूसरा फंदा है हमारा उसमें से ले लेंगे ऐसे दोनों पहले के दो फंदे एक बार एक फर्स्ट में से धागा लेंगे एक बार दूसरे में से धागा लेंगे ठीक है ये देखिए धागा ले लिया ये देखिए अब क्या करेंगे बैक तरफ से हम बना रहे हैं बैक तरफ का जो हमारा ये दिख रहा है फली दिख रही है ये ये फली पहले वाली फली के साथ जुड़ जाएगी तो पहले फली वाली को उठा लेते हैं ऐसे पहले ये देखे और इसमें सुई लेंगे और इसमें सुई लेंगे और ये जो हमारी फर्स्ट धागा फंदा था उसमें सुई लेंगे इस तरह से ठीक है कहने का मतलब है कि बैक साइड के दोनों जो फलियां होती हैं वो जुड़ जाएंगी ऐसे अब अब देखिए अब क्या है अब यहाँ पे पर्ल वाला हमारा फंदा है उल्टा फंदा है तो इसको इसके बगल वाले से जोड़ेंगे जो हमने पहले एक सिंगल फंदा ले लिया था फर्स्ट में हमको सिंगल फंदा ही लेना पड़ेगा ठीक है बहुत ही आसान है थोड़ा सा आप अच्छे से समझ के कीजिए देखिए, अब क्या है हमारा ये सीधा है सीधा सीधे के साथ जुड़ेगा उल्टा उल्टे के साथ ये देखिए इसमें हम फर्स्ट जो लूप था हमारा उसमें ले लेंगे आसानी हो जाती है इस तरह से नीडल में लेने के लिए आपको समझाने के लिए ये देखिए और ये देखिए दोनों को हम इस तरह से बनाएंगे और धागा हम आराम से ज्यादा टाइट नहीं धागे को खींचना है नहीं तो अच्छा नहीं आएगा ठीक है अब देखिए अब हमारा यहां परल वाला उल्टा फंदा है इसको हम जो इसके बगल में उल्टा फंदा था देखिए इस तरफ से करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा ये देखिए ठीक है ये देखिए ये सीधा अब हमारा ये वाला सीधा फंदा आया है इसके पहले में जो सीधा फंदा है उसका जो लास्ट वाला लूप है देखिए ये लास्ट है यहां पे भी इसका लास्ट होगा ये देखिए तो देखिए इसका ये लास्ट वाला ये है ठीक है ये वाला लास्ट लूप देखिये तो हम इसको ही उठाते हैं इस साइड से ये देखिए इसलिए मैं नीडल से उठा लेती हूं क्योंकि थोड़ी सी आसानी हो जाती है बनाने में ये देखिए लास्ट लूप उठा लिया और ये वाला ले लिया ऐसे ठीक है अब हमारा कौन सा फंदा है हम ये वाला फंदा इस इधर नीडल में जो फंदे वो देखेंगे ये नहीं देखेंगे ठीक है ये देखिए ये हमारा फली वाला फंदा है ना फली का लास्ट लूप ले लेंगे ये देखिए इसको और इसको ले लेंगे हम एक साथ में अब हमारा उल्टा फंदा है उल्टा फंदा हमारा उल्टे वाले के लास्ट लूप में देखिए लास्ट वाला लूप ले लेंगे ऐसे ये दो तो आ जा रहे हैं लेना हमको लास्ट वाला ही है और ये वाला लूप लेंगे और इसका लेंगे इस तरह से कर लेंगे ठीक है देखिए फ्रंट वाला जो इधर वाला है वो तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो हो चुका है उसको भी लेंगे और जो फर्स्ट में आया है उसको भी लेंगे दोनों को लेंगे और उल्टी तरफ आप उधर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है ये देखिए इधर से देखेंगे तो ऐसी सेम करना हमको इस तरफ से भी ये देखिए या तो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो इधर से आप लास्ट वाला लूप इसमें ले लीजिए फिर जाके फ्रंट साइड में आइए ऐसे ठीक है गिर गया इधर से आपके समझ में नहीं आएगा हम इधर से ही ले लेते हैं ये देखिए ये हमारा सीधा फंदा है सीधी तरफ इसका हम लास्ट लूप इसमें ले लेते हैं ये ठीक है और इस तरह से इसको इधर से लाएंगे और इसको ले लेंगे और इसको ऐसे करना समझ में आ गया आपके ये देखिए बस जैसा हम इस साइड कर रहे हैं सेम हमको बैक साइड से भी करना है ये देखिए ये वाला लूप पकड़ के और ये वाले में लेखना है तो चलिए इसको बना लेते हैं कंप्लीट उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको लास्ट में क्या करना है ठीक है लास्ट में हम लेके आती हूँ मैं इसको समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आया तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगी जहां पे मैंने दो कलर से बनाया हुआ है ठीक है तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे लास्ट में एक फंदा रह गया है ये उल्टा वाला फंदा है तो इसको बैक तरफ से हम बना लेंगे ऐसे उल्टी सुई मैं इसलिए डाल रही हूं कि ये फंदे जो हैं ये देखिए धागा जो है फट जाता है अगर इस तरह से ना करूं तो ठीक है आप कर भी सकते हैं और सीधे से भी कर सकते हैं और लास्ट में देखिए ये वाला जो सीधा फंदा है इसका एक लूप ले, ले लेंगे ऐसे और तब जाके ये हो जाएगा ठीक है इस तरह से अब हम सिल देते हैं इसको कंप्लीट हो चुका है ये देखिए इस तरह से सुई से आ जाता है आपसे नहीं हो रहा तो थोड़ा सा रफ काम कर लीजिए इसी तरह से थोड़ा सा बॉर्डर बना लीजिए उसके बाद दो रो बनाने के बाद इसी तरह से बार बार उसको बनाइए बार बार खोलिए और बार बार बनाइए तो आपको पता भी चल जाएगा कैसे बन रहा है और हाथ भी साफ हो जाएगा क्योंकि जब पहले पहले हम बनाते हैं इसको तो कोई टाइट हो जाता है कोई ढीला हो जाता है तो इस तरह से एकदम क्लियर से नहीं आता है ठीक है आप थोड़ा सा सीख लीजिए पहले तो चलिए अब इसको सिल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको तो ये देखिए हमने सिल ली है ठीक है इस तरह से बनाइए पहनने के बाद एकदम फिटिंग आ जाएगी इसकी ठीक है ये जो गला हम सीधा सीधा हमको लग रहा है पहनने के बाद क्या होगा जब ये इस तरह से पहनी जाएगी तो ये गला ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएगा ठीक है ये है एक सिंपल और इजी बहुत ही इजी तरीका हाफ स्वेटर जेंट्स बनाने का अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो इस तरह से बना सकते हैं जो मैंने आपको ये आर्म होल में सुई से बंद करना बताया था वो अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप नॉर्मल ही जैसे बंद करते हो वैसे भी कर सकते हैं ठीक है और अगर आपको जेब देनी हो तो आप जेब भी दे सकते हैं यहाँ पे स्वेटर में जो पैटर्न बनाया है इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो वहां पे आपको इस तरह का जो पैटर्न है वो आपको मिल जाएगा ये यहां से यहाँ तक पैटर्न है ये हमारी बटन पट्टी है ठीक है तो दोनों अलग अलग बता दूंगी मैं बटन पट्टी अलग बता दूंगी और पैटर्न अलग बता दूंगी ठीक है तो फाइनल लुक इसमें बटन लगाते हैं उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है तो इसका फाइनल लुक आप देख रहे हैं तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिए नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ क्योंकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा ठीक है तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी मिलूंगी नई वीडियो के साथ